14 अक्टूबर 1956 बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये जो दीक्षा लेने और देने का कार्य है, इस घटना को पूरी दुनिया ने नोटिस किया और इसको नाम दिया धम्म क्रांति। धम्म क्रांति के 66 साल बीत चुके हैं। इन 66 सालों का एक छोटा सा आंकलन, छोटा सा मूल्यांकन इस समय हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इस कड़ी में इस समय हम लोग पहुँचे हैं बैकवर्ड क्लासेस सीनियर इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन के उस जांबाज अधिकारी के पास जो अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, अपने कार्यस्थलों में अपने काम को व्यवस्थित बनाने के लिए और वहाँ अपने अधिकारों की और अपने अधिकारियों की और अपने सहपाठियों की वेलफेयर की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो कार्यरत है, वैसे इंजीनियर हेमराज ढोके साहब के पास। ढोके साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये तो हमने बड़ी कोशिश की थी कि आपके सारे ऑफिस बेयरर्स के साथ हम लोग बातचीत कर पाए, लेकिन वे नहीं मिल पाए। आप मिल गए, ये बड़ा अच्छा हुआ। ये वक्त भी ऐसा है कि इतनी लोगों में व्यस्तता चल रही है, लोग धम्म दीक्षा दिवस के आयोजन के इस कार्य में व्यस्त है, लेकिन आपने इतनी व्यस्तता में हमारे लिए जो वक्त निकाला, इसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और जय भीम, आपसे बात यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं कि ये जो आपका बैकवर्ड क्लासेस सीनियर इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन है, ये जो एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा? ये एसोसिएशन का स्थापना का उद्देश्य ये रहा कि हमारे समाज के जो सीनियर इंजीनियर्स हैं, बैकवर्ड क्लास सीनियर इंजीनियर्स और ऑफिसर्स है, तो इनके विषय में ऐसा होता था कि जो एक कार्यालय में जो वातावरण होता था काम करने का जी, तो कुछ जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो एंटी सोशल जो प्रवृत्तियाँ होती है, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट एक हमारे जो अधिकारी लोगों को भी अधिकारी पद पे जाने के बाद भी उन्हें उस तरह से मान सम्मान मिलता नहीं था या उनके साथ पक्षपात वहाँ भी होता था। मतलब आप जो ये फर्स्ट क्लास इंजीनियर्स का एसोसिएशन है और आप उस स्तर पर भी देखते हैं कि कहीं जाति भेद होता है, जाति आधारित जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो आपने महसूस किया? बिल्कुल महसूस किया है। हम लोगों को जो है कि आप जंगलों में काम कीजिए, आपकी पोस्टिंग जो है बाहर ही रहेंगी, तो हमें जो हमारे आपकी भाषा में जो मुख्य प्रवाह में जहाँ हमें होना चाहिए, जहाँ हमें अच्छी जगह आना चाहिए, वहाँ पे हम अपने लोगों को अच्छे से अच्छे सर्विस दे सकते हैं, ऐसे जगह हमें पदस्थापना न करते हुए हमें एक आइसोलेट जगह हमारे लोगों को पदस्थापना करना, और अगर हम लोग अच्छी जगह की पोस्टिंग होती है और हम काम अच्छा करने की भी कोशिश करते हैं, तो हमारे कुछ दोषारोप निकाल कर हम लोगों को मानसिक तरीके से परेशान करना और दूजा भाव करते हुए एक हमारे साथ में एक अन्याय होते रहता था। लेकिन बिजली विभाग में तो पहले से ही एक जो कर्मचारियों का संगठन है, जिसे मागास वर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन कहते हैं, ये भी एक संगठन वहाँ पर पहले से काम कर रहा है, और बिजली कर्मचारियों का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे में भी ऑफिसर्स के साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपने महसूस किया? ऑफिसर्स जो है ये मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं। अच्छा। मैनेजमेंट लेवल पर काम करते वक्त वो लोग जो क्लास वन ऑफिसर रहते हैं, तो इसके वजह से ये लोग स्ट्राइक वगैरह ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन फिर भी अब क्या करें, मतलब स्ट्राइक तो कर सकते नहीं मैनेजमेंट लेवल पर, बट मैनेजमेंट लेवल पर आने के बाद भी जो हमारे ऊपर की जो टॉप अथॉरिटी जो रहती है, वो कहीं ना कहीं एक मनुवादी विचारक वाले जो होते हैं, तो वो लोग हमारे साथ में जो भेदभाव करते थे, तो उस धरती पर ये संगठन की स्थापना हुई। और तो फिर आपने क्या देखा कि इस तरह का वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो आपने बिजली विभाग में जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स है उनको कलेक्ट करके, उनको इकट्ठा करके जो शुरू किया, कितना प्रभाव देखा आपने इस काम का? बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है। हमारे जो बातें होती रहती है हमारे साथ, किसी हमारे किसी सदस्य के साथ कुछ अन्याय होता है, तो हमारे जो CWC के हमारे जो मेंबर्स है, मैं तो विदर्भ का प्रेसिडेंट हूँ, और हमारे जो स्टेट लेवल के जो अधिकारी है और हमारे जो सलाहकार हैं, हमारे जो लीगल एडवाइज़र्स है, मिस्टर नरेंद्र जारोंडे सार है, JS पाटिल सार है, तो ये इनके मदद से हम लोग वहाँ पर हमारे सीनियर ऑफिसर से जो CMD लेवल के लोग होते हैं, IS ऑफिसर होते हैं, डायरेक्टर्स लेवल के लोग होते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करके हमारी जो बाजू है, हम लोग भक्कम से
पने हमारी हम अच्छे से मजबूती से उनके सामने रखते हैं और उन चीज़ों का बहुत फ़ायदा हो जाता है और हुआ है। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है। अभी हमारे एक सीनियर इंजीनियर्स को कोराडी के सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि उनका कोई दोषारोपण नहीं था, फिर भी उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो मैं नाम नहीं लूँगा, बट अभी हमारी एसोसिएशन ने उसका फॉलोअप किया और सीनियर ऑफिसर्स को समझा के दिया कि भाई ये यहाँ इनकी गलती नहीं थी, तो उनका वो वापस हो गया सस्पेंशन। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बातें हैं, बहुत अच्छे से उसको प्लीट करते हैं कि भाई ये रिजर्वेशन एंड प्रमोशन सीनियर इंजीनियर्स के कैटेगरी में नहीं था, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर किया गया। और महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि हमारे जो लोग हैं CST समाज के, तो वो मतलब बड़े बड़े पोस्ट पर चले गए हैं। तो ये सब चीज़ें उनको पटा के उनको संवैधानिक मार्ग से या बाय द वे ऑफ कोर्ट हमने उनको समझाया है और समझा के उनको उसे न्याय की प्रक्रिया में उसको शामिल किए और न्याय भी प्राप्त किया। मुझे एक बात तो समझाइए कि जैसे आपके एसोसिएशन के नाम में वेलफेयर आता है, हाँ, तो ये जो वेलफेयर है, ये वेलफेयर तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का भी एक बड़ा संबंध इससे जुड़ता है, क्योंकि वो भी एक कल्याणकारी जीवन की ओर लोगों को ले जाना चाहते हैं। आप क्या कुछ बता पाएंगे, क्योंकि इस वक्त हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो धर्म क्रांति की 66 साल पहले, उसका एक छोटा सा मूल्यांकन भी कर रहे हैं, आकलन भी कर रहे हैं। आप क्या बता पाएंगे कि आपके इस काम पर बाबा साहेब के उस धर्म क्रांति का कितना प्रभाव दिखता है आपको? बाबा साहब की धर्म क्रांति का प्रभाव तो दिखता ही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर यूनियन की स्थापना की थी और स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की थी बाबा साहब ने, और उन्होंने ये बताया था कि भाई अन्याय के विरुद्ध लड़ना ही चाहिए। और तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जो है समता स्वातंत्र बंधुत्व, तो उसी को चलते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो सभी जो लोग हैं तो उनके साथ किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, सब समता स्वातंत्र बंधुत्व के साथ रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें को लेके हुए हम अपना कार्य करते हैं। तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षा के साथ साथ बाबा साहब ने जो हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए जो हमने ताकत दी है, तो उसी को हम प्रेरित होते हुए, बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होते हुए, तथागत बुद्ध के विचारों से प्रेरित होते हुए हम लोग ये कार्य करते हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, और ये सारी सोसाइटी को सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में शामिल करना, ये दरअसल बाबा साहब से आती हुई प्रेरणा है। हम इस समय बातचीत कर रहे हैं इंजीनियर हेमराज ढोके साहब के साथ, और इंजीनियर साहब का ये मानना है, उनका संगठन है बैकवर्ड क्लासेस सीनियर इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि बिजली विभाग में काम करता है। लेकिन इस एसोसिएशन का जो खास काम करने का जो तरीका है, उसमें समानता है, स्वतंत्रता है, भाईचारा है। ये क्यों? ये इसी कारण से कि ये बाबा साहेब जब धम्म दीक्षा देते हैं, ये वहाँ से तो जुड़ता है, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ता है, और इसका बड़ा जो प्रतिबिंब है वो, और इसका पूरा जो स्रोत है, वो स्रोत भी और उसका प्रतिबिंब भी आता है हमारे भारतीय संविधान से और संवैधानिक प्रक्रिया से। ये सारे अधिकारी कर्मचारी मिलकर जब काम करते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो इस काम में सक्सेस भी है उनके पास। ढोके साहब, इस बातचीत को हम पूरा करना चाहेंगे, एक अंतिम संदेश लेंगे आपसे हमारे दर्शकों के लिए, कि आपका जो ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन आज के इस पर्व पर क्या संदेश देना चाहेगा हमारे दर्शकों के लिए? संदेश यही देना चाहेगा कि आप लोग भी अगर कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग अन्याय के विरुद्ध लड़े, चुप न बैठे और आगे बढ़ते रहिए। हम लोग अगर चुप बैठेंगे तो हमारे साथ अन्याय होते रहेगा। तो यही संदेश है कि लड़ो, और हमारे जो लोगों पर अगर अन्याय होता है तो उसके खिलाफ एक क्रांति करो और आगे बढ़ो। यदि कहीं अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ चुप न रहो, लड़ो। इस लड़ने की बात को बाबा साहेब जो सिखाते हैं कि पढ़ो भाई, संगठित रहो, संघर्ष करो, और ये जो संघर्ष की भाषा है, यही भाषा, यही आदेश और यही कार्य
इन संगठनों के साथ आता है। हम इस समय बातचीत कर रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा की गई धम्म क्रांति के 66 सालों का एक ये छोटा सा मूल्यांकन। हम बातचीत कर रहे थे इंजीनियर हेमराज ढोके साहब से, जो कि बैकवर्ड क्लास से सीनियर इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन के विदर्भा के प्रेसिडेंट हैं, और उनसे ये बातचीत हम आप तक साझा कर रहे थे। यहाँ रुकते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मिलेंगे जब हम ये सारी इस प्रक्रिया में किसी और संगठन के साथ आपको जोड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा।